नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक को इंजेक्शन लगाने वाले मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ये मामला प्रेम प्रसंग का था और फरियादी को झूठे केस में फंसाने के लिए आरोपियों द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल पिछले दिनों एक युवक द्वारा चंदन नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि फरियादी को उसके ही रिश्तेदार ने अपने दो साथियों को 10,000 रुपए देकर पहले तो ई रिक्शा में सवारी बनाकर बैठाया और फरियादी की ही रिक्शा में फरियादी को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था। जहां पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी कैमरे की मदद से तीन आरोपियों प्रकाश पाल, जगन गोखले और विशाल शर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि फरियादी की पत्नी से लंबे समय से अफेयर के चलते षड्यंत्र पूर्वक NDPS या शराब ई रिक्शा में रखकर जेल भेज देने का प्लान बनाया गया था। बहरहाल आरोपियों द्वारा फरियादी को लगाया गया इंजेक्शन ना होते हुए नकली चीज़ निकली है। पुलिस द्वारा आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले रही है, जिसके बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद पुलिस द्वारा जताई जा रही है। ये 27 और 28 जुलाई के दरमियानी रात की बात है। सेवालय हॉस्पिटल से हमारे पास एक तहरीर आई कि एक व्यक्ति वहाँ एक कंप्लेंट लेके एडमिट हुआ है और उस तहरीर के अकॉर्डिंग उसने वहाँ जो हिस्ट्री दी डॉक्टर को, बताया कि दो अज्ञात लोगों ने चंदन नगर इलाके में एक ब्रिज के ऊपर एक इंजेक्शन नुमा कोई वस्तु उसके शरीर में पीछे से चुभोई है। उसके बाद उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुए, खुजली हुई तब और उल्टी का भी उसने उसमें मेंशन किया था। रात में जैसे ही इस घटना का हमें मालूम चला, तहरीर हमारे पास आई, पूरे घटनाक्रम को बड़ी हमने गंभीरता से लिया। तत्काल उसमें हमने एक FIR दर्ज की दो अज्ञात लोगों के खिलाफ और खुद हमारे जो एडिशनल DCP हैं और ACP शिवेंदु और हमारे TI साहब और जो पीछे जो हमारी जितनी भी टीम खड़ी है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सौरभ, इनके नेतृत्व में हमने तीन टीम गठित करी और इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो एक सवारी जो बैठी है उसको कुछ पैसे की बात लेके और मतलब उसकी कैब सॉरी जो उसका ई रिक्शा है उसको लेके जाना और फिर उसको सुई चुभो देना, बड़ा ही गंभीर प्रकरण था। एक अलग तरीके का क्राइम इसमें हमें कहीं प्रथम दृष्टा लग रहा था। लगभग 36 घंटे तक लगातार 300-400 CCTV फुटेज देखने के बाद हमें जो दो अज्ञात लोग हैं वो दिखाई दिए। फिर उनको, चूंकि उनकी जो पहचान है वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, तो और हमने उसमें बैक ट्रैकिंग करके हमने CCTV देखे तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया कि जो दो लोग सवारी बन के जो गए थे जिन्होंने ये घटनाक्रम किया था, उनको एक तीसरा व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के ला रहा है। उस तीसरे व्यक्ति के बारे में मालूम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश पाल है और जो फरियादी है उसकी रिश्तेदार है दूर का, और ये ओम प्रकाश पाल का फरियादी के जो वाइफ है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फरियादी को षड्यंत्र पूर्वक जेल में डालकर अपना जो रिलेशन है उसको एंजॉय करने के हिसाब से उसने ये पूरा घटनाक्रम रचा था। जो इसमें मुख्य आरोपी है ओम प्रकाश पाल, उसने अपने यहाँ के एक लेबर जिसका नाम जगन गोखले है, जगन गोखले को बताया था कि इस तरीके से इस फरियादी को NDPS या एक्साइज एक्ट में फंसाना है। और तो फिर जगन ने अपने साथी विशाल शर्मा को साथ में लिया और जो इनके 10,000 रुपये इनको इस चीज़ के लिए दिए थे कि इसको या तो NDPS का कोई सब्सटेंस लेना है या 10,000 रुपये की दारू इसके ई रिक्शा में रख देनी है। और उसी प्लान के तहत राजवाड़ा से जाके इन्होंने जो फरियादी के ई रिक्शा को आइडेंटिफाई किया है उसमें बैठे हैं, उनसे बैठ के पहले कलारिया तक की उसने बात की है और कलारिया के पहुंचने के बाद में बेटमा जाने की इनसे बातचीत हुई थी कि आप हमें बेटमा तक लेके चलो, कहीं से कोई पेमेंट लेना है और वापस आना है, तो 600-700 रुपये में इनकी बात हुई थी। बेटमा में जो आरोपी है उनका कहना है कि वहां से इनको गांजा खरीदना था, अगर गांजा नहीं मिलता तो ये किसी कलारी से शराब खरीदते
और उसके ई रिक्शा में उसको रख देते, और रखने के बाद में डायल 100 पे कॉल करते या थाने पे कॉल करते, और इस तरीके से इसमें जो फरियादी है, पीड़ित है, उसको आरोपी बनवा दिया जाता षड्यंत्र पूर्वक। और जब इनको कलारिया पे जाके इसने बेटमा के लिए जब दोबारा इनसे बात हुई है कि आपको बेटमा तक चलना है, वहाँ जाके इनकी आपस में विवाद हुआ है। आरोपियों ने बताया कि हमें, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में नशेड़ी इस टाइप की बात करते हैं, कि माल खरीदना है कि वो बेटमा में मिलेगा, तो फिर जो फरियादी है उसको शक हुआ कि ये सही लोग नहीं है। उन्होंने इनको जो किराया भी दिया था वो भी लौटाने की कोशिश की, और इनको उतार के उसने बोला कि आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए, लेकिन वहाँ इनके बीच में विवाद हुआ है। और विवाद में ही इनको एक नुकीली चीज़ इसको जो बैग है उस पर चुबो दी है। अब वो नुकीली चीज़ अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में इंजेक्शन नहीं पाया गया है। अभी जो आरोपी हैं उनको हम PR पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, और अगर इसमें कुछ आगे जो तथ्य आएंगे उनको भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अभी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगातार पूछताछ एडिशनल DCP साहब और ACP साहब के नेतृत्व में हो रही है, तो उससे यही बात समझ में आई कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके ओम प्रकाश ने पूरी घटनाक्रम को मतलब बनाया है। उसके जो साथी है ये जगन और विशाल, इन दोनों ने उसको एग्जीक्यूट किया है, और उस एग्जीक्यूशन में ही ये उसको एक नुकीली चीज़ चुभोई है। जो इसमें प्रथम दृष्टया इस तरह की बातें आ रही थी कि फरियादी को एलर्जिक रिएक्शन हुई है या कुछ इस टाइप का हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि फरियादी ऑलरेडी लगभग 10-15 दिन से बीमार था, तो उसी की वजह से उसकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। तो संभवतः कुछ चीज़ें इसमें जो बड़ा चढ़ा के भी कही गई हैं, लेकिन अभी भी हम किसी भी तरीके के एस्पेक्ट को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अभी तक की हम इन्वेस्टिगेशन में ये निकला है कि इंजेक्शन जैसा कोई मतलब इंजेक्शन नहीं लगाया गया है। जो चीज़ लगाई गई है वो कोई नुकीला पदार्थ था, जो उनको भी नहीं पता कि वो चीज़ अब कहाँ फेंकी है इन लोगों ने, कहाँ नहीं फेंकी। सर, क्या पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पूर्व से केस दर्ज है क्या? इनमें से दोनों ही आरोपी एक तो नशे के आदि हैं, और जो वो सॉल्यूशन होता है पंचर लगाने का उसको उसका नशा करते हैं, और एक गांजा भी लेता है। दूसरा एक का 376 का अपराध छतरीपुरा में हमारे ICGS से पता चला, और एक को 151 पहले शराब के नशे के लिए भेजा हुआ है। सर, जो फरियादी है उसकी पत्नी को मालूम था कि ऐसा कुछ घटनाक्रम? इसमें वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसकी फरियादी की वाइफ का क्या रोल है वो अभी हमें PR में लेके उनसे पूछताछ करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया हमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है कि उनका कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, और अगर पैसिव इन्वॉल्वमेंट में तो वो हमारा भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी PR पे लेके और भी बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी जुटानी है। ये रिश्तेदार हैं आपस में, और जो इसमें मेन आरोपी है उसका यहाँ जो छतरीपुरा और चंदननगर का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये वुड प्लाई का काम है, वहाँ पे उसकी बड़ी दुकान भी है, और उसकी प्रवृत्ति थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, वो कई सारे रिलेशंस में है ये अभी पता चला है, और ऐसे ही रिलेशंस की वजह से पूरा घटनाक्रम पारित हुआ। नहीं, उसको उसको मालूम नहीं है कि उसके पीछे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये फरियादी को भी मालूम नहीं। इसमें तीन लोगों का भी गिरफ्तार कर लिया, जो मेन आरोपी ओम प्रकाश है, और जिस जगन जो उसके साथ अपने प्लाई की दुकान पर काम करता है, और उसका साथी विशाल। तो जगन और विशाल इन दोनों ने उसके साथ में ये 500 रुपये लूटे और मोबाइल लूटने की जो घटना कारित की है। तो इस तरीके से जो मेन कॉन्स्पिरेटर है प्लस दो इसको जो एग्जीक्यूट करने वाले, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके